हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कमीज के चाक पर जो डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ये पाइपिंग हम एक सिलाई में ही लगाएंगे चाक पर, तो इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये डोरी वाली पाइपिंग बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में डाला है, आप वो देख सकते हैं। डोरी वाली पाइपिंग कैसे बनाते हैं उसमें देखकर आप ऐसे पहले पाइपिंग तैयार कर लें ऐसे। तो इसके बाद फ्रेंड्स, आपने जितना आपको कमीज का गहरा चाहिए उसका आपने मार्किंग कर लेना है। इसके लिए आपको कमीज का घेरा आपने 2-2 इंच ज़्यादा चौड़ाई में रखना है। इसके बाद आपने जहाँ पर आपकी ये वाली फिटिंग की सिलाई है उससे लेकर जो आपका कमीज का घेरा है उस तक आपने निशान लगाकर ये लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है ये ऐसे। और जो इधर वाली साइड वाला कपड़ा है उसको आपने इतना इतना फोल्ड कर प्रेस कर लेना है ऐसे ऐसे। इससे आपका कपड़ा सेट रहेगा, ऐसे आपने आधा आधा इंच ये फोल्ड कर प्रेस कर लेना है और ये सीधी लाइन लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो हमने ये लाइन लगाई है उस पर ऐसे ये पाइपिंग रख लेनी है ऐसे। और जो हमने इधर वाली साइड से कपड़ा फोल्ड किया है आधा इंच उसको ऐसे रख कर ऐसे यहाँ पर ऐसे रख लेना है और हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जे डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स हमको जी एक तरफ वाला ऐसा फुट चाहिए। आप ऐसा ये फुट चेंज कर ले तभी आपकी डोरी अच्छी फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस पाइपिंग को ऐसे लाइन पर रख देना है ऐसे, और जो इधर वाला कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे, और जहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आपने ऐसे पाइपिंग को लाइन पर रखते जाना है और इधर वाली साइड को कपड़े को ऐसे कर ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ये आपकी पाइपिंग एक सिलाई में ही लग जाएगी ऐसे। फ्रेंड्स, आपने जो आपकी ये चाक वाली सिलाई है आपने पाइपिंग को यहाँ तक अंदर तक लेके आना है यहाँ तक, और इस कपड़े को भी ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे। आपने यहाँ आगे तक जाकर सिलाई लगानी है। मैंने ये एंड तक सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे ये हमारी एक सिलाई से ही पाइपिंग लग चुकी है। तो इस वाली साइड हमारी ये बैक साइड आ गई है, इस पर हम तरपाई कर देंगे। तो एक सिलाई में ही हमारी ये पाइपिंग डन हो गई है, ये देखिए। ऐसे हमने पाइपिंग को थोड़ा आगे रख कर ऐसे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है, चाक वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड कर जहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। इस तरफ वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। तो ऐसे हम जो इस तरफ वाला कपड़ा है इसको नीचे फोल्ड कर देंगे और ऐसे जी हमारी पाइपिंग सीधी वाली तरफ ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे ये मैंने दोनों तरफ वाली पाइपिंग लगा ली है ऐसे, देखिए। ये देखिए कितनी सफाई से ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है दोनों तरफ वाली ऐसे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे पाइपिंग लगाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।